एक प्रयास किया गया। एक जिस तरह से भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि रेवड़ियां बांट रहे हैं और अशोक गहलोत अपनी सभाओं के विपरीत एग्रेसिव होकर कहीं ना कहीं इस बार पूरी सरकार में जो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे भाजपा आरोप लगाती है आप नए अगले दिन घोषणाओं का कोई पिटारा खोल देते हैं। सर ये देखिए प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करिए आप राजस्थान में आओ, आप आए आपके जो मंत्री लोग आए सबका कैंपेन करने का हक है, पर कम से कम एक तो हमारी योजना है पहले उसकी स्टडी कर लो। इतनी शानदार योजना, इतनी सारी योजना है, हर राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को आधार बना करके फैसले कर रही है, गारंटी दे रही राज्यों के अंदर अपने, तो आप उनका अध्ययन करवाओ और उसमें जो आपको लगे मुफीद आप केंद्र सरकार में कानून बनाओ। ये 25 लाख बीमा है, केंद्र क्यों नहीं दे सकता उसको? इस प्रकार के जो हमने कानून बना दिए हैं भारत सरकार भी कर सकते, ओपीएस है, अगर हमने लागू किया वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पहले आप अध्ययन करो उसके बाद में आप फैसले करो, फिर आपके आगे जनता कैंपेन करो। ये योजना में अच्छी लगी हम एडोप्ट कर रहे हैं, ये योजना में हमें दिक्कत आ रही है, या एक भी योजना लागू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जिस राज्य में कैंपेन कर रहे हो उस राज्य में क्या क्या योजना चल रही है? आप आके झूठे आरोप लगाओ, झूठे लोगों को भ्रमित करो, ये आपको अधिकार नहीं है। आप आओ हमारी योजनाओं की स्टडी करके आओ, उसके जवाब दो। नंबर वन, नंबर दो एक गारंटी दो कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम एक स्कीम बंद नहीं करेंगे, ओपीएस बंद नहीं करेंगे, 25 लाख बीमा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अनुभव है सरकार बदलते ही हमारी योजना बंद कर दी, रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी, और तो जो धार्मिक यात्रा में गए थे बद्रीनाथ केदारनाथ मर गए बेचारे, उन बच्चों ने नौकरी दी हम लोगों ने, उनको बंद कर दिया और उनको हटा दिया नौकरी लगी हुई, तो ये तमाम जो स्थिति बनी उसको अनुभव कहता है। अधिकांश योजना बंद कर देते हैं, इनका क्या भरोसा, इस जनता को धोखा दे देंगे बाद में। हम क्या आप पहले गारंटी दो, ये हमारी गारंटी आजकल मोदी जी गारंटी दे भी रहे हैं, ये गारंटी दो एक योजना हमारी बंद नहीं होगी राजस्थान सरकार में चल रही है। उपराष्ट्रपति नाराज हो रहे हैं आपसे? उपराष्ट्रपति जी हमारे पुराने मित्र रहे हैं और संवैधानिक पद है, हम तो सम्मान करते हैं पद का, खाली इतना ही है। अभी चुनाव का माहौल है, इसमें एक दिन में 5 दौरे किए उन्होंने, 5 दिन में दौरे नहीं किए, 5 जो मीडिया ने लिखा है, मीडिया भी गलती करता है, एक दिन में 5 दौरे किए 5 जिलों के अंदर और लगातार दौरे हो रहे थे उनके। तो मैंने कहा अभी मैसेज जा रहा पब्लिक में, ये क्या हो रहा है? वैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इतने बड़े पद होते हैं संवैधानिक पद, राज्यों में जाते राज्यों में पूछते हैं मुख्यमंत्री को, सलाह देते हैं कि हम इसमें आए कि नहीं आए, कोई टाइम वो था, आजकल वो रिवाज तो बंद हो गया, कोई बात नहीं। पर दौरे इलेक्शन के अंदर कैंपेन की तरह हुआ है और वहां फिर क्या होता मुख्यमंत्री बीजेपी वालों को जाने के मिलने का मैसेज आता पद में, ये क्या हो रहा? तो मैंने तो मेरी भावना बताई थी, मेरी भावना वो खुद समझ जाएंगे। सर आप 3 बार के, तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं।